सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप अपने किसी भी वाईफाई का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई अपना हॉटस्पॉट ओपन किया हुआ है तो आप उसका कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बिना पासवर्ड का। क्योंकि गाइस, इसके रिलेटेड मुझे पता है कि आप यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो मतलब सर्च करते होंगे और काफ़ी सारा वीडियो भी आया होगा, बट आज तक आपको कोई ऐसा मतलब वीडियो में आपको कोई ऐसा ट्रिक नहीं मिला होगा जो यहाँ से आपको कोई बताया होगा कि आप वाईफाई का पासवर्ड कैसे कनेक्ट कर सकते हो। बट गाइस, आज की इस वीडियो में एक ऐसा न्यू ट्रिक लेके आया हूँ जहाँ से आप वाईफाई का पासवर्ड आसानी तरीके से आप पता कर सकते हो और आसानी तरीके से आप कनेक्ट करके यूज भी कर सकते हो। तो वो कैसे करना, क्या करना, सब कुछ आज की इस वीडियो में बात करने वाले। तो आपको करना क्या होगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि गाइस अगर वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हो और एक भी ट्रिक आपसे मिस्टेक हो जाता है तो आपको जो वाईफाई का जो ये पासवर्ड है गाइस, वो आपको इसको कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे पासवर्ड मतलब मांग रहा है, यहाँ पे कुछ भी मैं डाल देता हूँ कनेक्ट करता हूँ बट यहाँ पे नहीं लेगा कनेक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्ट नहीं ले रहा है। तो इसको मैं अभी लाइव प्रूफ इसमें मैं अभी अपने खुद से एक पासवर्ड बनाऊंगा और इसको मैं कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा और इसका मैं पासवर्ड भी पता करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा कनेक्ट नहीं ले रहा है। तो कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आज किसी में बात करने वाले। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के वाईफाई में जाना है गाइस, और वाईफाई में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर राजू आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं कनेक्ट मतलब जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर मुझे पासवर्ड मांग रहा है बट मुझे पासवर्ड नहीं पता। अब आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे आपको ऐड नेटवर्क का जो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता था, आपको ऐड नेटवर्क पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप ऐड नेटवर्क पे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो भी वाईफाई आपको वहाँ पे जो शो करेगा और जिसमें आपको कनेक्ट करना है उनका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे राजू नाम था, ठीक है, यहाँ पे मैं राजू लिख दिया हूँ। उसके बाद इस सिक्योरिटी में जो नॉन है गाइस, इस पर क्लिक करके आपको मतलब WPA पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड गाइस राजू ही डाल देना है। जैसे राजू ही यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। फिर से आपको इस पर क्लिक करके WPA3 पर्सनल पे आपको क्लिक कर देना, मतलब आपको यहाँ से अगर आपके फ़ोन में सपोर्ट नहीं लेगा तो आप WPA3 भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज कि यहाँ पे अभी तक मतलब कनेक्ट तो नहीं लिया, यहाँ पर देख सकते हो बस सेवेड लिखा रहा है बट यहाँ से अभी तक मतलब नहीं ले पाया। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक कनेक्ट नहीं ले पाया। अभी थोड़ा देर और हम वेट कर लेते हैं। फिर से मैं सर्चिंग करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक नहीं लिया। फिर से मैं जैसे कि अगर ये अगर नहीं लेता तो आपको फिर से क्या करना होगा, आपको फिर से ऐड नेटवर्क आपको क्लिक करना है और जैसे आप ऐड नेटवर्क पर क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ पर आपको राजू यहाँ पर फिर से डाल देना, ठीक है। जो भी आपके वाईफाई का जो नाम होगा जो आपके आसपास जो शो करेगा और जिसको भी कनेक्ट करना है उनके यहाँ का आपको डाल देना। जैसे मैं यहाँ पर राजू डाल दिया, ठीक है, उसमें यहाँ पे राजू डाल देते हैं। राजू डालने के बाद इनको आपको मतलब इस बार आपको क्या करना होगा और मतलब लास्ट सबसे लास्ट वाला आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो यहाँ पर देख सकते हैं WPA3 जो 192 जो बिट है गाइज, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको करना क्या होगा, CA वाला जो है गाइज, आपको इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज सिस्टम वाले पे आपको दूसरे नंबर पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन जो स्टेटस का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करके आपको इसको भी दूसरे नंबर पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इतना कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पे राजू डाल देना, जो भी होगा मतलब यहाँ पे राजू आपको डाल देना। फिर आपको यहाँ पर भी राजू यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद अभी तक यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं आया है। चलिए हम यहाँ पे राजू फिर से एक बार और डाल देते हैं, शायद यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब आपको करना क्या होगा, इसको फिर से आपको मतलब इसी में से किसी में एक आपको सेलेक्ट कर लेना जिसमें आपका सेव का ऑप्शन आ जाए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि सेव का ऑप्शन अभी तक नहीं आया, फिर से मैं राजू यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ और अभी तक सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस मैं पहले तो बता ही देता हूँ कि आज तक आप जितना भी वीडियो आप मतलब यूट्यूब आप सर्च किए हो और आपका टाइम पास जैसे सब करा देता है गाइस, बट गाइस मैं एक ऐसा नहीं करने वाला हूँ गाइस। मैं आपको बता देता हूँ कि आज तक कोई ऐसा ट्रिक नहीं आया जहाँ से आप किसी के भी वाईफाई का पासवर्ड जान सको, क्योंकि गाइस इसको हैक करना काफ़ी मतलब मुश्किल है गाइस, और आसानी तरीके से आप किसी के भी वाईफाई का पासवर्ड आप नहीं जान सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और काफ़ी सारे लोग आपको बस ऐसे ही यूट्यूब पर आपको वीडियो वॉच करा लेते हैं और आपको वाईफाई कनेक्ट करने का कोई मतलब आपको नहीं बताते हैं। बट गाइस मैं आपको भी मतलब इसी प्रकार से किया, बट मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ कि आप ऐसा वीडियो से काफ़ी दूर रहें, क्योंकि गाइस ऐसे वीडियो से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप मतलब ऐसे वीडियो से काफ़ी दूर है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ऐसा होने वाला ही नहीं आपको, ठीक है, जब तक आपको किसी के वाईफाई का पासवर्ड आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।